PSSM के 18 आदर्श सूत्र। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के संस्थापक ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने पिरामिड मास्टर्स के लिए 18 सूत्र दिए हैं। स्वयं के मास्टर बनने के लिए संपूर्ण मानवता को इन 18 सिद्धांतों को समझना और अपनाना होगा। इसमें पहला सिद्धांत है आनापानसति ध्यान। आन का अर्थ है सांस का आना, अपान का अर्थ है सांस का जाना, और सती का अर्थ है सांस के साथ एक हो जाना। कोई कठिन आसन, हठ योग के मुद्राएं, कोई मंत्र जाप या कल्पना नहीं है। सुखासन में कुर्सी या सोफे पर बैठकर अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएं, पैरों को क्रॉस करें, चश्मा उतार कर आंखें बंद करके अपनी स्वाभाविक आती जाती श्वास के साथ एक हो जाएं। आनापानसति ध्यान सीखिए, इसका अभ्यास करिए, दूसरों को सिखाइए और इसका प्रचार कीजिए। दूसरा आदर्श सूत्र, स्वाध्याय यानी सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना। पृथ्वी पर आए सभी पुरातन मध्ययुगीय और आधुनिक महान मास्टर्स ने मानवता के उत्थान के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। PSSM उन सभी महान आध्यात्मिक गुरुओं और वैज्ञानिकों के ज्ञान को ग्रहण करता है और पाठता है। हमें सभी महान आध्यात्मिक गुरुओं की पुस्तकों को पढ़ना है। तीसरा आदर्श सूत्र, ध्यान संबंधी अनुभवों का आदान प्रदान करना। अपने ध्यान अनुभव साधकों के साथ साझा करना PSSM का मुख्य सिद्धांत है। हर एक का अनुभव इस सत्य की खोज में महत्वपूर्ण है। जैसे एक मधुमक्खी विभिन्न फूलों से अमृत इकट्ठा करती है, वैसे ही हम ज्ञान इकट्ठा करने के लिए तरसते हैं। चौथा आदर्श सूत्र, मौन का अभ्यास करना। हमें सीमित सार्थक और संदर्भ अनुसार वही बोलना है जो हम जानते हैं। अगर हम नहीं जानते तो हमें मौन का अभ्यास करना है। बाहरी मौन के साथ साथ हमें आंतरिक मौन यानी मन के मौन पर भी ध्यान देना है। मौन के अभ्यास से हमारी वाणी शुद्ध होती है। यदि हमारे पास कोई काम नहीं है तो हमें मौन का अभ्यास करते रहना है। हमें अनर्थक अनावश्यक गपशप और फिजूल की बातें नहीं करनी है। पांचवा आदर्श सूत्र, पूर्णिमा की ऊर्जा का उपयोग करना। पूर्णिमा रात्रि का ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। पूर्णिमा से एक दिन पहले और एक दिन बाद पृथ्वी पर अत्यधिक ऊर्जा बहती है। इसलिए इन 3 दिनों में निरंतर ध्यान करने से हम उच्च लोकों के मास्टर से संपर्क बनाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात ध्यान करने से असाध्य रोग भी ठीक होते हैं। इसलिए इस ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें और अधिक से अधिक ध्यान करें। छठा आदर्श सूत्र, पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करना। पिरामिड एक ऐसा ज्यामितीय ढांचा है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अक्षर भंडार है। पिरामिड में ध्यान करने से हमें 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पिरामिड सभी उच्च ग्रहों की ऊर्जा से संपर्क बनाकर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। पिरामिड के अंदर ध्यान अधिक शक्तिशाली होते हैं, जबकि पिरामिड के बाहर 6 घंटे का ध्यान पिरामिड के अंदर किए गए 2 घंटे के ध्यान के बराबर होता है। पृथ्वी पर अब पिरामिड युग का आगमन होने वाला है, इसीलिए हर घर में एक पिरामिड होना चाहिए। सातवां आदर्श सूत्र, कोई दवाई नहीं कोई डॉक्टर नहीं। दवाइयों पर मानसिक निर्भरता छोड़ दें। सामान्य परिस्थितियों में दवाइयों का उपयोग ना करें। सिरदर्द से लेकर कैंसर तक की सारी बीमारियां हम खुद से ही ठीक कर सकते हैं। हम सब ईश्वर हैं, हमें अपनी दिव्यता को ध्यान के माध्यम से जागृत करना है।
कोई भी समस्या, चाहे वे शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो, हम आनापानसती ध्यान माध्यम से उसका समाधान कर सकते हैं। आठवां आदर्श सूत्र, शाकाहारी बनना। संपूर्ण मानव जाति को शाकाहारी बनाना PSSM का मुख्य उद्देश्य है। मांस, मछली और अंडे का सेवन वर्जित है। भोजन और क्रीड़ा के लिए मानव जानवरों से क्रूर व्यवहार करके उन्हें मारता है। पशु जगत के प्रति मानव का यह क्रूर व्यवहार ही विश्व की सारी समस्याओं का एकमात्र कारण है। वनस्पति भोजन मनुष्य का एकमात्र भोजन है। शाकाहारी खाना भी अपनी जरूरत के अनुसार खाना है, लालच के अनुसार नहीं। नवा आदर्श सूत्र, प्रकृति में ज़्यादा समय बिताएं। हमें प्रकृति में अधिक समय व्यतीत करना है, जैसे वन, नदी के तट, हरे घास के मैदान, समुद्र के किनारे, झरने के पास, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के सुंदर दृश्य को निहारना है। हम प्रकृति के साथ जितना जुड़ेंगे, उतना ही अपनी मूल प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे। दसवां आदर्श सूत्र, कोई विशेष वस्त्र या चिन्ह धारण नहीं करना। हम कोई विशेष वस्त्र या आभूषण धारण नहीं करते हैं और ना शरीर पर कोई विशेष चिन्ह लगाने में विश्वास करते हैं। हम साधारण वस्त्र ही धारण करते हैं। ग्यारहवां आदर्श सूत्र, बचपन से ही बच्चों को ध्यान सिखाना। हमें 5 साल की उम्र से ही बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए। जब युवा हैं तभी उन्हें पकड़ो, कैच देम व्हेन दे आर यंग, यह हमारा नारा है। 12वां आदर्श सूत्र, चेले की तरह नहीं मास्टर बनकर रहना। PSSM में शिष्य परंपरा नहीं है। मेरा कोई शिष्य नहीं है और मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ। हम सभी मास्टर्स हैं। वास्तव में हम सब भगवान हैं। यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक मास्टर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब से ध्यान कर रहे हैं। यदि आप एक दिन से अभ्यास कर रहे हैं तो आप एक दिन के मास्टर हैं। एक महीने से अभ्यास कर रहे हैं तो आप एक महीने के मास्टर हैं। ब्राह्मण मास्टर वे है जो ध्यानी है, जो किसी की हत्या नहीं करता, जो अहिंसा का पालन करता है और दूसरों के विषय में हस्तक्षेप नहीं करता। 13वां आदर्श सूत्र, ध्यान सिखाने में पैसे का कोई आदान प्रदान नहीं। PSSM में ध्यान सिखाने के लिए पैसे का आदान प्रदान नहीं होता। जैसे धरती पर हवा पानी मुफ्त है, ठीक उसी तरह ध्यान भी मुफ्त है। 14वां आदर्श सूत्र, मूर्ति पूजा या जीवित गुरु की पूजा नहीं करना। हम मूर्ति पूजा और जीवित गुरु की पूजा नहीं करते, क्योंकि ईश्वर हर कण में है, हर व्यक्ति में है और हर जीव में है। हम ईश्वर के मूर्तियों और गुरु तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। हम अंदर के ईश्वर को पहचानने में सबकी मदद करते हैं। 15वां आदर्श सूत्र, ध्यान शक्ति द्वारा व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। हम अपनी ध्यान शक्ति द्वारा अपनी सभी व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक या सामाजिक समस्या का समाधान करते हैं। सभी सवालों के लिए एक ही जवाब है ध्यान। सभी समस्याओं के लिए एक ही समाधान है ध्यान। 16वां आदर्श सूत्र, सामान्य गृह जीवन का आनंद लें। संन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हैं। हम संन्यास लेने पर विश्वास नहीं करते। इस धरती पर संपूर्ण आनंद से जीने के लिए ही हमने जन्म लिया है। पूर्ण मनोरंजन और पूर्ण ज्ञान के साथ ही जीना हमारे लक्ष्य है। 17वां आदर्श सूत्र, जगह जगह पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित करना। भारत और विश्व में PSSM मास्टर्स ने अनेक पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित किए हैं। एक कमरे में कुछ पिरामिड लगाएं और लोगों को ध्यान कराएं।
वह पिरामिड ध्यान केंद्र ही है। पिरामिड ध्यान केंद्र में लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उनके फल स्वरूप उन्हें अनुभव, स्वास्थ्य और ज्ञान प्राप्त होता है। 18वां आदर्श सूत्र, अपने ध्यान अनुभवों को प्रकाशित करना। आत्मा के विकास के लिए संबंधित साहित्य विभिन्न स्थानीय भाषाओं में जैसे हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मराठी, बंगाली और अंग्रेजी पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित करते हैं। हम आध्यात्मिक साहित्य को हर एक मानव तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। यह मानवता के विकास के लिए 18 सूत्र है। कोई भी इन सूत्रों को जीवन में अपनाकर अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। धन्यवाद।